एक बार फिर से आपका और अब बारी है पावर प्लेस के दो दो स्टॉक्स जानने की। मेरे दो स्टॉक्स हैं मेवगुड़ी ऑर्गेनिक्स और पीआई इंडस्ट्रीज, एक और इलेक्शन प्रूफ सेगमेंट एग्रीकल्चर का। चाहे जिसकी सरकार आए इस पर ध्यान देना जरूरी है, तो इसीलिए इस पर लिया है। 70 रुपये के लक्ष्य के साथ मेवगुड़ी खरीदारी करिए और पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी खरीदारी करिए, 1160 रुपये का लक्ष्य हुआ। ऑलराइट, और नजर रखिएगा आज टीडी पावर पर, और इसके नतीजे भी बहुत ही शानदार आए। 3.7 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 15.5 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। मार्जिन देखिए 8.5% से बढ़कर 14.5% के आसपास हो गए हैं, तो अच्छे नतीजों के ऊपर ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। रेडिंगटन के भी नंबर्स अच्छे थे, मुनाफा 20% और रेवेन्यू में 15.5% का इजाफा देखने को मिला है। तो आज आप देखिए, जैसा कि हमारी जैकेट कह रही है, हरे रंग से ही देखिए पूरी टीम को हमने पेंट किया है। नीरज, ये बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को देंगे? देखिए सारे स्टॉक बढ़िया है, रेल वाले स्टॉक है, टैक्स वेको रेल अच्छा लग रहा है, खरीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। ऑल राइट, और आपकी टीम दिखाते हैं बढ़िया प्रदर्शन, पूरी की पूरी टीम दिखाएगी, लेकिन देखिए BML BL जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आपकी टीम में दिखा सकते हैं। लेकिन पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, और लगता यही है कि अब ये जो चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद सबकी फोकस जो है वो बजट के ऊपर होगी, जो कि जुलाई के अंत में आने वाला है। तो फोकस आपका रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर होना चाहिए, टेक्समेको रेल, टेक्समेको इंफ्रा, टीटागढ़ वैगन, और ये सीजनल स्टॉक्स हैं, देखिए बजट के आसपास ही दरअसल चलते हैं। अच्छा प्रदर्शन नेलकास्ट जैसे स्टॉक्स भी दिखा सकते हैं, और नेलको पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। JM फाइनेंशियल्स में भी तेजी होगी, बाजार में अगर रैली देखने को मिलेगी तो ब्रोकिंग कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। रैमको सिस्टम्स के अच्छे नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, क्वेस्ट कॉर्प ने बढ़िया नंबर्स पेश किए, इन स्टॉक्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। टीडी पावर के नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद बहुत ही शानदार आए हैं, और इस तरह के छोटे मझोले शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। रेडिंगटन ने भी बढ़िया नंबर्स पेश किए, तो यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फटाफट टीम में डालिए, पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस, और इलेक्शन प्रूफ बहुत सारे स्टॉक है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC HPC BPC पर नज़र रखिए, कच्चे तेल में नरमी, और अब चर्चाएं बहुत तेज़ हैं कि नई सरकार बनने के बाद अगर यही सरकार रिपीट होती है GST पे भी इसको लाया जाएगा। HUL और मैरिको दो और स्टॉक जहाँ पे हर एक को फोकस रखना पड़ेगा, और कंजम्पशन थीम यहाँ पे पलटती हुई दिखेगी। मर्क में नज़र रखिएगा, ग्लोबल फार्मा कंपनी है और बहुत बढ़िया इसने रिटर्न दिखाए हैं। डाइवेस्टमेंट के दो केस हैं, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन और BML। उम्मीद है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी इस पर काम तेज बनेगा, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी करिए। और एग्रीकल्चर को तो कोई भूल ही नहीं सकता, किसी की भी सरकार आए, चाहे वो NDA क्या है, UPA क्या है, थर्ड फ्रंट आए, फोर्थ फ्रंट आए, कृषि को इग्नोर करना मुश्किल है, इसीलिए उन स्टॉक्स पे अच्छी तेजी बनेगी। मेघमणि और PI में भी खरीदारी की सलाह होगी।